परासिया में अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य गुरुचरण खरे ने अपराधों को लेकर लोगों और अधिकारियों से चर्चा की और कहा कि अपराधी किसी भी दल के हों, उन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। परासिया के जाठा छापर में नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य गुरुचरण खरे का स्वागत किया गया। इस दौरान गुरुचरण खरे ने SC ST के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ को लेकर चर्चा की और कहा कि यह सुनिश्चित होना चाहिए कि शासन और प्रशासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ संबंधित व्यक्ति को मिले। इसके साथ ही उन्होंने WUC प्रबंधक पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और अपराधों को लेकर कहा कि SC ST और महिलाओं के अपराधी को छोड़ा नहीं जाए, चाहे वह किसी भी दल का हो। इस दौरान महिलाओं को अपराधों से संबंधित जागरूक करने की भी बात कही गई। ये जो सरकार है इसको ध्यान देना पड़ेगा और जो हमारे महिलाएं हैं, खास करके SC और ST की जो महिलाएं हैं, इनकी सुरक्षा व्यवस्था पर इनको हम कैसे जागरूक करें और इनको हम कैसे इनकी सुरक्षा प्रदान करें, शासन प्रशासन सोचना है। जिसमें अभी मैं खुले रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार कमजोरी के साथ है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।